नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप अपने मोबाइल में चाहते हैं कि दो एप्लीकेशन एक साथ चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने मोबाइल में दो एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। आपको करना होगा कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपने आईफोन सेटिंग्स को एंड्रॉयड सेटिंग्स में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करना होगा आपको एंड्रॉयड सेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए, आपको मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। मोबाइल सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे चले जाना है और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको कॉन्वीनियंस टूल्स। आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉन्वीनियंस टूल्स। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्वीनियंस टूल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको नेविगेशन, तो नेविगेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जब आप नेविगेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे वर्चुअल बटन एंड मोर। तो सिंपली आपको क्या करना है, वर्चुअल बटन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जब आप वर्चुअल बटन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाता है। आपको यहाँ पे बटन शो होने लगती हैं। अब आपको क्या करना है, बैक हो जाना है बटन के सहारे। जब आप यहाँ पे बैक हो जाते हैं, अब आप जौन से एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को यहाँ से ऑन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब आपका ओपन हो जाता है। अब आप YouTube भी यहाँ से चला सकते हैं। और आप चाहते हैं कि दूसरा एप्लीकेशन भी यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको तीन बटन देखने को मिल जाती हैं। एक बैक वाली होती है और एक होती है डायरेक्ट बैक वाली और एक होती है जिससे अपन पेज क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपको जो पेज क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो बैक वाली होती है आप पेज क्रिएट करते हैं जिससे, इस वाले आपको ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए। अब आप देख सकते हैं होल्ड करने के बाद कुछ इस तरह का एप्लीकेशन पेज फिर से ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ से दूसरा एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जौन से एप्लीकेशन आप फिर से यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फेसबुक यूज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं आप ऊपर यूट्यूब भी चला सकते हैं और नीचे यहाँ पर फेसबुक भी चला सकते हैं। आप एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से आप यूट्यूब में और फेसबुक में भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक साथ। तो इस तरह से आप अपने एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और यदि बैक होना है तो आपको क्रॉस वाले ऑप्शन में जाके क्लिक कर देना। अब आप एक पेज ओपन हो जाता है और डायरेक्ट बैक कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने एक मोबाइल में दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और यह वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।